नमस्कार, दोपहर 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली सिंह। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के सामने में पेश। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पार्टी पर जांच एजेंसी पर दबाव बनाने के लगाए आरोप। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज लखनऊ में ईडी दफ्तर के सामने किया विरोध प्रदर्शन। कुछ कांग्रेस नेताओं को किया गया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास पर इसराइल के एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल से की भेंट। कहा, दोनों देशों के बीच 30 वर्षों से मजबूत राजनयिक संबंध रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षक के पद पर आयोजित परीक्षा में 9,534 अभ्यर्थी किए गए सफल घोषित। मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों को दी बधाई। प्रदेश भर में हो रहा है गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन। इसी क्रम में इटावा और लखीमपुर में प्रदेश के मंत्रियों ने जनता से किया संवाद। और देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में देखी गई बढ़ोतरी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना के नए मामले 6 दिन में 3,500 से बढ़कर 8,582 तक पहुंचे।